हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूपीएससी सीए पीएफ एसी 2022 का फॉर्म भरने के लिए आप अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको कैसे रिफाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए पहले इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें मांगी गई हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पास आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, वो मांगा गया है। तो देखिए, फ़ोटो जो मांगी गई है तो 20 KB से लेकर 300 KB के बीच की होनी चाहिए और यहाँ पिक्सल की बात करें तो 350x350 ए मिनिमम पिक्सल मांगा गया है और 1000x1000 ए मैक्सिमम पिक्सल यहाँ मांगा गया है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 20 KB से लेकर 300 KB तक आप अपलोड करेंगे, JPG फॉर्मेट में चल जाएगा। और पिक्सल की बात करें तो 350x350 से मिनिमम पिक्सल रखा गया है और 1000x1000 ए मैक्सिमम पिक्सल यहाँ पास मांगा गया है। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड को आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे 20 KB से लेकर 300 KB तक, ठीक है। इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अब आपको वहाँ पास चले जाना है। तो ये देखिए, मेरी फ़ोटो है, ये मेरा सिग्नेचर है और ये फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर मैं यहाँ पास पैन कार्ड ले लिया हूँ। आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पास वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आपके आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पास ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास पैन कार्ड ले लिया हूँ। अब आपको करना क्या है, अब जहां आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अब आपको वहां पास चले जाना है। तो ये देखिए, मेरी फ़ोटो है, ये मेरा सिग्नेचर है और ये फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर मैं यहां पास पैन कार्ड ले लिया हूं। आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पास ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनको रिफाइज करना है। तो इनको रिफाइज करने से पहले एक आपको काम कर लेना है, सिंपल फिश में क्लिक करना है, ओपन में चले जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर में चले जाना है। आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, सिंपल सा आपको ऑटो करेक्ट में क्लिक कर देना है, Ctrl+S आपको दबा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। इसी प्रकार आप सिग्नेचर को भी ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिफाइज करना है। तो सिंपल सा फोटो में क्लिक करेंगे, ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। इसके बाद कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेंगे। अब हमें यहाँ रोटेट करने की ज़रूरत है तो सिंपल सा हम रोटेट कर लेते हैं। यहाँ रोटेट में क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पास क्रॉप करने की ज़रूरत है तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। जितना भी भाग चाहिए हम यहाँ से कुछ इस प्रकार क्रॉप कर लेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे। अब हमें रिफाइज करने की ज़रूरत है तो सिंपल हम रिफाइज में क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल में हम भरेंगे कितना, 350 से लेकर 1000 के बीच आपको भरना है। तो चलिए मैं 400 भर देता हूँ, 400 यहाँ पास भर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पास 350 से ऊपर ही वैल्यू रखिएगा, आप 500 ले सकते हैं, 600 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं यहाँ अपने हिसाब से ले लिया हूँ 400, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा 500, 600, जो आपके मन में आए, ठीक है। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, Ctrl+S आपको दबा देना है। इसके बाद यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखिए, हमारी फ़ोटो का जो साइज है तो 49.2 KB आ गया है। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो को रिफाइज कर सकते हैं। हम सिग्नेचर को रिफाइज कर लेते हैं तो सिंपल फेस में हम क्लिक करेंगे, ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है, सिंपल फॉर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, जितना भी भाग चाहिए कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रॉप कर लेंगे।
अब हमें रिफाइज करने की जरूरत है। सिंपल फॉर रिफाइज में क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल में हमें भरना है। ध्यान में यहाँ रखिएगा, जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो 350 से लेकर 1000 के बीच की होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पास 700 भर देता हूँ हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में भर देता हूँ यहाँ पास 400। ठीक है, वर्टिकल में भी आप ध्यान में रखिएगा, जो भी वैल्यू आप भरेंगे वो 350 से लेकर 1000 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल प्लस एफ दबा देंगे, इसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो सिग्नेचर का जो फाइज है तो 115 केबी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार आप अपने सिग्नेचर को रिफाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, तो सिंपल फॉर हमें इसे पीडीएफ में बदलना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, सिंपल फॉर इस में क्लिक करना है, ओपन में चले जाना है और पेंट में चले जाना है, इसको जूम आउट कर लेना है कुछ इस प्रकार, जितना भी भाग चाहिए। अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है, तो सिंपल फॉर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, जितना भी भाग चाहिए हम कुछ इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ फिर इसको क्रॉप कर देंगे और कंट्रोल प्लस एस दबा देंगे, इसके बाद यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें इसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर गूगल क्रोम आप खोल लेंगे और यहाँ सर्च मारेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, कुछ इस प्रकार लिख कर सर्च मारेंगे आप, तो ilovepdf.com के नाम से एक वेबसाइट ओपन होगी, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट जेपीजी इमेज में क्लिक करेंगे, यहाँ से पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे, इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक कर देंगे और डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसका फाइज देख लेते हैं, तो ये देखिए इसका जो फाइज है तो 28.7 केबी है, और मांगा कितना गया है 20 केबी से लेकर 300 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप अपने पैन कार्ड को पीडीएफ में बदल सकते हैं, फोटो को रिफाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर को रिफाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।